मुझे ये जो पद मिला, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, यह न केवल गिरीश गौतम को स्पीकर बनाने का पद नहीं है, यह उन लोगों का संकेत है कि जो राजनीति में आने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं उनके लिए एक हम लोग स्थापित व्यक्ति हो गए कि यह भी एक रास्ता है राजनीति में ऊंचाई प्राप्त करने का। यह उदाहरण हमारे बड़े भाई नागेंद्र सिंह, हम दोनों एक ही पंचायत के हैं, दोनों विधायक हैं और शायद मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान में कलेक्टर साहब, वो पहली ग्राम पंचायत होगी जिसमें तीन गांव है। हमारा गांव बरौदी, दादा भाई में जरा और एक गांव सिरगमा, और तीनों से विधायक हैं, ये शायद पूरे देश में पहली ग्राम पंचायत। मैंने विधानसभा में जब मुझे चुना गया तो मैंने एक बात कही वहां, मैंने कहा कि जिस पद पर मुझे बैठाया गया मुझे निष्पक्ष होना पड़े। एक पक्ष राजेंद्र जी का है, श्यामलाल जी का है, मंजूलाल जी का है, नागेंद्र सिंह जी का है, और एक पक्ष दूसरा पक्ष है जिसके अभय मिश्रा है। और मुझे यह कहा गया कि आप निष्पक्षता से काम करो, मैंने वहां नहीं कहा, मैंने कहा था कि निष्पक्ष हूं, इस कुर्सी में बैठने के बाद निष्पक्ष होगी, क्योंकि अभी मुझे जो पेश किया अभय जी ने एक न्याय करने का तराजू पेश किया है और शायद उन्होंने उम्मीद लगाई होगी कि इससे न्याय में करूंगा, और उस तराजू वाली महिला की आपकी पट्टी बनी है, मैं न्याय में आप खोल करके करूंगा। मैं आपको ये कहना अभी उस पट्टी का न्याय किस नहीं हो सकता। मैं जब कुर्सी में बैठूंगा वह फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा, मुझे चाहे कोई निष्पक्ष कहे या नहीं कहे, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा, यह भी मेरा एक पक्ष है। रीवा का पक्ष लेना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, और इसके पक्ष में मैं रहूंगा। मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कई बार स्वाभाविक लगता है कि यह बड़ी चुनौती हमारे सामने। कई बार लोग कहते हैं कि साहब यहां बड़े बड़े लोग हुए, चार चार स्पीकर हुए, सबके बड़े बड़े नाम हुए, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया। मैंने कहा कि मैं अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस बात का प्रयास करूं, इस धरती के माटी का पुत्र होने के नाते इस क्षेत्र का सेवक बनकर के काम कर सकूं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं इस क्षेत्र का सेवक बनकर के निकलना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। उस कुर्सी में बैठने के बाद ऐसा लगता हो कि मैं रीवा के साथ पक्षपात करता हूं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं, मैं पक्षपात करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं।